तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम वापस एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस बार हम पबजी के मेजर अपडेट दैट इज़ इसके अंदर इन्होंने BRDM2 एक व्हीकल दैट इज़ और एक डेजर्ट ईगल, एक पिस्टल और एक फ्यूल जो कैन अपने पास होते थे, जो अपन फ्यूल टैंक यूज़ करते थे फ्यूल भरने के लिए अपने व्हीकल्स में, तो वो अब एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो मतलब आप ऐसे स्क्वाड हाउस के अंदर उसको रख के कहीं भी TPP वाली पोजिशन पर उसको, जैसे ही कोई बंदा है तब उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन पहले BRDM2 की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उसको पूरा पानी लैंड से वाटर तक दिखा गया और ये तो भी चल रहा है। तो भाई गाइज मज़ा ही आ गया। ये BRDM2 लैंड ऑन वाटर दोनों में ट्रैवल कर सकता है। तो भैया आपको मिलिट्री बेस से या फिर नोवो से भागने के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी भैया, इसको लेके निकल सकते हैं। बट इसकी स्पीड बहुत कम लगी है मुझे मेरे यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे ये लैंड पे तो अच्छा खासा मैक्स टू मैक्स 100-110 की स्पीड तक पहुंच जाता है, बट वाटर के अंदर ये 30-40 मैक्स स्पीड तक पहुंचता है, विच इज़ लेस। और इसको अगर बोट से कंपेयर करा जाए तो ये बोट के जो कंट्रोल्स होते हैं वो ज़्यादा हार्ड एज़ कम्पेयर टू BRDM2, तो BRDM2 इज़ बेटर देन बोट। सो गाइज भी अपन देख सकते हैं कि मैं इसको 80 की स्पीड से लेकर जा रहा हूँ और पानी में कूदाने की कोशिश करी, बट मुझे नहीं ले जाना था तो मैंने इसको बैक करने की वापस ट्राई करा, बट वो नहीं हुआ। मतलब इतना लोड ये कैरी नहीं कर सकते इसके, मतलब ये इतना बैक और इसकी स्पीड, इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं है। तो इसको मूवमेंट के लिए मैं थोड़े कम पॉइंट्स दूंगा, बाकी है बहुत तगड़ा ये। इसके अंदर इसका हिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको हिट पॉइंट्स के लिए मैं दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारी गन्स ट्राई करी, DP AK-47, ग्रोजा, M249, इस पर कि कितनी बुलेट्स मारने पर ही एक्सप्लोड होता है। सो अपन वापस इसको ऊपर लैंड पर देखिए, बट तो भी मैं इसको ऊपर नहीं ले जा पा रहा। मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है इसके कि इतनी, मतलब इतनी ट्रेजेक्ट्री ये क्लाइम कर सकें। सो इसको मैंने वापस आगे से लेकर गया था। तो अभी अपन, अगर आपने गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है वीडियो को तो पहले वो जाके कर दीजिए। मैं वॉइस ओवर बहुत कम करता हूँ, बाकी अपने गेम प्ले की रिकॉर्डिंग डालता हूँ। तो गाइस अभी मैं ये ग्रोज़ा का अटेम्प्ट करूँगा इस पर कि ग्रोज़ा कितनी बुलेट सकती है। पहले 40 एक्सटेंडेड मैक के साथ एक मैक के अंदर तो इस वजह से स्मोक आया, एंड दूसरे मैक के बाद देख सकते हैं फिर एग्जिट दूसरे मैक पे फूटा। तो जैसा कि गाइज आपने देखा कि हमने 480 बुलेट्स के अंदर ग्रोज़ा की 87.62 की बुलेट्स यूज़ करके 87.62 की बुलेट्स यूज़ करके इसको एक्सप्लोड करा। तो अभी अब मैं M249 लेकर आया हूँ अपने साथ। देखिए M249 की कितनी बुलेट्स लगती है इसको एक्सप्लोड करने के लिए। तो अप्रॉक्स लास्ट 20-80 बुलेट्स लग गई है इसको एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। तो कस्टम्स के अंदर इसको एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि बुलेट्स की प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि इसके टायर्स जो है वो कभी पंचर नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर M249 कितनी बुलेट्स चलाई तो भी व्हीकल में कोई डैमेज नहीं दिखा रहा, मतलब कोई व्हील्स डैमेज नहीं है इसके, विच इज़ वेरी गुड। मतलब कस्टम्स के अंदर जो मेन मेजर प्रॉब्लम रहती है गाड़ी के व्हीकल्स के, कोई टायर फोड़ देता है, कोई क्या करता है, तो ये बहुत ही उस अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ है। और इससे बड़ा कवर भी अपन बना सकते हैं जिससे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर कस्टम रूम्स। तो गाइस अभी आपको मैं फ्यूल एक्सप्लोजन का दिखा रहा हूँ। मैंने डीगल की डेजर्ट डीगल की 2 बुलेट्स यूज़ करके फ्यूल कैन को ब्लास्ट किया। तो और यहाँ पर ग्रोज़ा की 3 बुलेट्स लग गई मुझे फ्यूल कैन को ब्लास्ट करने के लिए। सो अभी देख सकते हैं कि जितना आप डेजर्ट ईगल को क्लोज रेंज में यूज़ करेंगे ना उतना बेटर, उसको ज़्यादा डैमेज बढ़ेगा। जैसे कि आप CS GO में यूज़ करते थे। अभी यहाँ पर मैं M214 यूज़ कर रहा हूँ इसको ब्लास्ट करने के लिए अपने न्यू व्हीकल को। यहाँ देख सकते हैं 2 रील यूज़ हो चुकी है एक्सटेंडेड मैक के साथ, और ये तीसरा मैक लगा तीसरे मैक के बाद ये एक्सप्लोड हुआ। एग्जैक्ट तीसरे मैक के बाद ये पूरा एक्सप्लोड हुआ। अप्रॉक्स 60 बुलेट्स यूज़ करी अपन ने इसको एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। तो मतलब MK-14 की 60 बुलेट्स खा ली भाई, मज़ा ही। अब अपन अपनी रेगुलर गन M416 का यूज़ करके देखते हैं कितनी बुलेट लगती है। मैंने पहले एक्सटेंडेड लगाई है तो ये लग गए पहले 40 बुलेट्स, कुछ नहीं लग रहा। अगले 40 बुलेट्स में इसका धुआं आ गया और आग भी लग गई है भाई। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अप्रॉक्स वही 30, 60, 40, 80, 90 बुलेट्स अप्रॉक्स, मतलब 3 मैग लग गए उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ अभी अपन डीगल के कुछ उसके अंदर अटैचमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे।
डिजर्ट के अंदर, डेजर्ट ईगल के अंदर एक तो आप एक्सटेंडेड मैक लगा सकते हैं इसके अंदर, जो 7 बुलेट्स का 10 बुलेट्स कर देगा। और इसके अंदर एक अटैचमेंट है लेज़र लाइट का, और कोई आप इसके अंदर ग्रिप यूज़ नहीं कर सकते, इस सिंपल पिस्टल की तरह ही है, आप देख सकते हैं इसका सिंपल लिया। और इसके अंदर आप स्कोप के नाम पे होलोग्राफिक और रेड डॉट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेजर होलोग्राफिक का यूज़ दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए पहले। तो आप देखिए मतलब कितना ज़्यादा रिकॉइल है इस गन का, कितना कितना शेकी गन है। जब इसको लॉन्ग रेंज में यूज़ करें तो ये तो और भी ज़्यादा रिकॉइल दे रहा है, तो मतलब इसको यूज़ करना ज़्यादा इजी नहीं होगा। मतलब ये 1 बुलेट किल तो होगा ही, बट जो लगना होगा शॉट वो बहुत ही मुश्किल से लगेगा। सो इट्स नॉट अ ईजी गन टू यूज़। तो बट अगर इसको अपन जैसे क्राउच करके और पीक करके चलाते तो ये जैसे ये सर्कल में रोटेट खा के वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो मतलब इसको बेटर यूज़ ऐसे ही कर सकते हैं। इसका स्प्रे देने की भी मैंने कोशिश करी कि मतलब अगर विदाउट रिकॉइल कंट्रोल इसको स्प्रे देते हैं तो ये मतलब इसका क्या मूवमेंट रहता है, तो अभी आप वो देखेंगे। पूरा पूरा कहीं भी जा रहा है ये, ऊपर की तरफ इतना स्पीडली मूव कर रहा है ना, हर एक बुलेट के अंदर मैक्स और ऊपर जा रहा है। देखिए उसी पॉइंट से आप इसे मूव करूँ फायर करा और ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल है इस गन का, बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल है। तो मतलब इसको टेक्निकली एक एक बुलेट्स की तरह ही यूज़ करना पड़ेगा, पीक एंड फायर जैसे स्नाइपर का यूज़ करते ना अपन, मुझे ऐसे लग रहा है कि वैसे ही यूज़ करना होगा इसका। अगर गाइस वीडियो यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पर बुलेट्स तो ख़त्म हो गई है अभी। यहाँ पर अब एक चीज़ और बताऊँ, इसमें बुलेट्स लगती है वो 0.45 ACP की लगती है गाइस, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 0.45 ACP की बुलेट इतना डैमेज दे रही है। क्योंकि मुझे मुझे शुरुआत में लगा था कि ये 7.62 की बुलेट्स यूज़ करेगी, बट नाउ आई नोटिस कि ये 0.45 ACP की बुलेट्स यूज़ कर रही है, तो विच इज़ अ मेजर चेंज। तो गाइस एक लास्ट पॉइंट बचा है कि मैं इसके BRDM2 के स्पीड और उसके कंट्रोल्स के लिए इसको घुमा रहा हूँ, तो आप इसको नोटिस करिए और आप अपना ओपिनियन बताइए कि मतलब आपको कैसा लगा इसको यूज़ करके BRDM2 को पबजी में, और आपको उसका कोई मेजर यूज़ पता चला है तो आप हमें भी शेयर करिए अपनी ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी स्पीड में 85, 87, 90 अप्रोक्स टच करा दिए, 99, 100 तक टच हो जाती है मेजरली इसकी स्पीड। और जब अपन इसको मतलब इसका मूवमेंट भी अच्छे हैं, मतलब इतने कंट्रोल्स इतने बैड नहीं है। और इसकी एक बहुत ही सेक्सी चीज़ है कि जब भी अपन इसको स्पीड बूस्ट मारते हैं ना, तो ऊपर इसके दो बूस्ट लगे हुए हैं जो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी स्पोर्ट्स कार हो, मतलब बहुत कूल है वो चीज़ इनकी। अच्छा लगा ये चीज़ इनका, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी भी दे रहे पबजी वाले आजकल। तो ये देखिए इसके कंट्रोल्स, जब भी इसको अपन ऐसे वापस माउंटेन्स पे चढ़ाते हैं तो इसकी नॉमिनल स्पीड होती है थोड़ा, मतलब ज़्यादा हाई पीक वाला माउंटेन हुआ ना तो उस पर वो ट्रैवल नहीं करेगी मेजरली, बट जैसे देख सकते हैं नॉम हल्का सा स्लैंट मतलब 45 तक चलता है, इतने में ट्रैवल कर रही है विद नॉमिनल स्पीड ऑफ 20, 30, 40 जस्ट लाइक इन मीरामार। सो और अपन देख सकते हैं कि इधर मैं इसको कहीं कुदाऊँगा कि देखूँगा कि कुदाने पे भाई इसका क्या रहता है, कि मतलब सही ढंग से वापस इसका ड्रिफ्ट तो नहीं होती है। तो मेरा सही था कि ये ड्रिफ्ट तो होती है, कितने हैवी व्हीकल हो ड्रिफ्ट तो मारेगा। तो सब सो गाइस अपन को सबसे इसमें ये मस्त बूस्ट भाई, स्पीड बूस्ट का तगड़ा है भाई। तो सबसे मस्त इसका मेजर यूज़ तो यही है कि इसके टायर जो है अपने वो नहीं डैमेज नहीं कर सकते, तो गाइस सबसे सही है ये। और इसको इसका हाँ एक मेजर और एक चीज़ है कि इसको अपन किसी ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्हीकल है, मतलब आप देख सकते हैं कितनी तबाही कर रहे हैं ये वहाँ जाकर, डिस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है जो वॉर लीग्स में यूज़ होते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी कि इतना अच्छा व्हीकल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। हाँ और एक चीज़ और है कि गाइस इसके अंदर अपन बैठ के फायर नहीं कर सकते, तो गाइस ध्यान रखिए कि ये वो ड्रॉप से आने वाली गाड़ियों की तरह ही है कि इसमें भी आप फायर नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का एक डिसएडवांटेज रहेगा
कि आप इस इतनी स्लो स्पीड से एक तो ट्रैवल करेंगे और उसके अलावा आप इसमें फायर भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और आगे आपको ऐसे ही वीडियोस पबजी के अपडेट्स और कुछ नए फनी मोमेंट्स और कुछ अच्छे कंटेंट मिलता रहा तो मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो गाइस उनको भी सपोर्ट करना, थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस। I'm OG, y'all new to the game.